मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। वो आज मैं ये बनाने वाली हूँ मैक्रोनी, इस तरह से मैक्रोनी पुलाव। आप पुलाव कह लीजिए, मैक्रोनी कह दिए, कुछ भी कह दिए, ये कच्ची मैक्रोनी बनाई है हमने। वैसे बनाते हैं कि मतलब सॉस डाल के या कुछ डाल के, कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल तरीके से मैंने मैक्रोनी बनाई है आज। अब बनाते हैं इसके साथ, ये दिखाती हूँ, इसके साथ खा सकते हैं आप लोग, किस तरह से खाते हैं। और देखना एक एक दाना अलग अलग बना, इस तरह से बिखरा हुआ दाना ये कुकर में बनाएंगे आज। ये हमने कुकर में बनाई भी है, कुकर में बना के ही आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बनाती कुकर में ये मैक्रोनी कैसे बनती। देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग है। चलिए बताती हूँ मैक्रोनी कुकर में कैसे बनती है, चलिए शुरू करती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी के साथ आए, वो भी बनाऊंगी मैक्रोनी। बिल्कुल इस तरह से मैक्रोनी बनाऊंगी मैं जो कि सारे लोग खा लें, बड़ा भी बच्चे भी, और मतलब सारे घर के जितने फैमिली मेम्बर है सब खा सकते हैं वो मैगी। कोई ना, मैं इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से मैगी बनाऊंगी। इसके लिए हमने ये मैगी ली है, इनको ना बॉयल करूँगी ना कुछ करूँगी, कच्चा मैगी को यूँ डालूंगी कुकर में। कुकर में बनाएंगे जैसे, चलिए। और इसके साथ के हमने लिया था प्याज, ये देखिए मैक्रोनी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये मैगी मसाला, और एक आलू लिया है, एक आलू डालूंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए हमने रख दिया तेल, कुकर में बनाएंगे, तेल को हमने डाल दिया, तो तेल हमने डाला है एक अच्छी करीब तेल डाल दिया है कुकर में। अब कुकर में हम डालेंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म भी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच करीब जीरा, साथ में डालेंगे हरी मिर्च जो बारीक आधी, तीन मैं हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा भून लेंगे। हरी मिर्च और जीरा हमारा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज जो हमने काट के रखी थी, ज़्यादा बारीक नहीं काटी, थोड़ी मोटी मोटी प्याज काटी है क्योंकि इसमें जो है मोटी प्याज ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। प्याज टमाटर मतलब मोटे मोटे काट के डालो तो अच्छी सी दिखती है मैगी, मैक्रोनी बनाने में बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो अब प्याज को हम गोल्डन होने देंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे, नॉर्मल होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर इसमें, देखिए प्याज हमारी नॉर्मल हो चुकी है, गल भी चुकी है, अच्छे से गल चुकी है प्याज को। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, दो टमाटर काटे थे हमने, दो मीडियम साइज टमाटर काट के इसमें डाल देंगे, थोड़ा इन्हें भी नॉर्मल करेंगे, टमाटर को नॉर्मल होने देंगे थोड़ी देर। साथ में डाल देंगे नमक, जिससे कि ये हमारी प्याज है और टमाटर है ये जल्दी नॉर्मल हो जाता है, गल जल्दी जाता है, इसलिए नमक को साथ में डाल दें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप लोग खाते हैं उस हिसाब से नमक डालें। चलिए हम इसको मिक्स करते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले से डाल रखी है। हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा सा डालेंगे जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसी समय हम इसमें डालेंगे एक आलू जो हमने बारीक काट के काट लिया है, और इसको डाल देते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको पानी का पता नहीं चलेगा पानी इसमें कितना डलेगा।
कि मैगी हम कच्ची डालेंगे तो पानी का अंदाजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारी मैगी गीली हो सकती है, ज़्यादा गीली हो जाएगी या फिर कच्ची रह सकती है। तो इसलिए इस मेरी वीडियो पे बने रहिए। पानी का मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में। एक मैगी मसाला ये इसको हाफ डालेंगे। इसे मैगी मसाला डालने से है ना कि मैगी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। मैक्रोनी में डालने से ये हाफ टी स्पून हाफ डाल दिया मैंने, ये आधा रोक लिया। तो मिक्स कर देंगे आलू और इसको मसाले को, सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए मसाला और हमारा टमाटर सारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें एक कटोरी हमने प्लेट में रखी थी पहले मैगी, अब वही मैगी मैंने मैक्रोनी मैंने इसमें कटोरी में कर ली है। और इसका कटोरी एक इस कटोरी के नाप से ही, कटोरी नाप से ये मैक्रोनी है, इसी कटोरी के नाप से मैं डालूंगी एक कटोरी इसमें पानी। चलिए इनको इसको डाल देते हैं मैक्रोनी में। मैक्रोनी को अच्छा सा भून लेंगे, एक मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे जिससे हमारा इसमें मसाले अच्छे से घुस जाए और अच्छी सी फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बनने में भी अच्छी लगेगी। थोड़ा सी देर भूनना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप हमारी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी मैक्रोनी बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनेगी। और सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ये। और वैसे जो हम लोग बॉयल करके बनाते हैं और सॉस वगैरह डालते हैं, मेयोनीज वगैरह डाल देते हैं, उसे मैगी जो है बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ बड़े लोग हैं वो खाते नहीं हैं, उनको नहीं अच्छी लगती वो चीज़ें। इस तरह से आप मैगी बनाओगे तो सारे लोग खा लेंगे, पूरी फैमिली के सारे लोग खा सकते हैं इस मैगी को। हमारी फैमिली में तो पूरे सारे लोग खा लेते हैं, इसलिए मैं इस तरह से ही मैक्रोनी बनाती हूँ। मैगी मसाला डालने से तो जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये वाला मैगी मसाला जो मैगी के में डालते हैं हम लोग, ये वही मैगी मसाला है। देखिए इस तरह से ये पैकेट अलग से आते हैं, बहुत सस्ता मिल जाता है, कोई भी किराने की दुकान से ले लो आराम से मिल जाता है। चलिए हमारी ये मैक्रोनी अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी नाप के, इसी आप लोगों के सामने से डाल लेंगे। देखिए एक कटोरी बिल्कुल भर के डालेंगे, एक कटोरी भर के हमारी मैक्रोनी थी तो एक कटोरी भर के हम पूरे ये पानी डालेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए देखिए, चलिए इसको बंद कर देते हैं गैस को, वो कवर कर देते हैं कुकर को। एक विसिल आने तक कुकर को बंद लगाएंगे, एक विसिल, उसके बाद हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। चलिए एक विसिल आने तक इसको रखते हैं। देखिए एक विसिल आ चुकी है, कुकर को हम गैस को हम बंद कर देते हैं। अब कुकर को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद खोलेंगे, बिल्कुल इसका स्टीम निकल जाएगी बाहर, फिर हम कुकर को खोलेंगे। चलिए देख लेते हैं कुकर की स्टीम पूरी निकल चुकी है हमारी, इसको चेक करते हैं कि हमारी ये कैसी बनी है। ये देखिए बिल्कुल सही बनी है, एक एक दाना बिल्कुल अलग है इसका, ये देखिए है ना गीली है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया जो हमने बारीक काट के रखा हुआ था, इसको डाल देते हैं ऊपर से। मिक्स कर देंगे, कैसी लगी हमारी मैक्रोनी? आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताना कि मैक्रोनी हमारी कैसी बनी है। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।